अगर इस प्रश्न को आप लोगों को समझना है, सीखना है, सॉल्व करना है, तो यार इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्न को आप बहुत ही सरल व आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले दिया क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ का मान ज्ञात करना है। और इसी का दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का भी मान मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया था 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ दिया है। तो एक बच्चों प्रश्न होता है, एक सूत्र होता है वर्गांतर का, क्या होता है, a + b इंटू a - b, ये वर्गांतर का फार्मूला होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें संख्या पहले में a, दूसरे पहले में a है और b है, दूसरे ब्रैकेट में भी a और b है, ये चीज याद रखना। ब्रैकेट में संख्या सेम है, पहले में a भी है, दूसरे में भी a भी है, लेकिन एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक बार पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस लगाकर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ये संख्या इस तरीके से लिखी हुई है तो हम पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाकर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसमें भी यही दिया है, संख्या देखो इस पहले ब्रैकेट में एक और साइन दिया है, दूसरे ब्रैकेट में भी एक और साइन दिया है, दोनों में संख्याएं तो सेम दी हैं लेकिन इसके चिन्ह डिफरेंस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाकर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। यही फार्मूला मुझे बटे में भी लगा देना है, संख्या पहले में 1 है और कॉस दिया है, दूसरे में भी 1 और कॉस दिया है, तो हम क्या करेंगे बराबर लगा देंगे, ऊपर वाले में लगाते हैं अंश में पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या कौन सी है साइन, तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया, मतलब संख्या अगर दोनों ब्रैकेटों में सेम दी है, चिन्ह डिफरेंस हैं, तो हम पहले संख्या का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाकर दूसरी संख्या का स्क्वायर लगाएंगे। बटे में भी यही करना है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा माइनस लगाकर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया, हमेशा याद रखना ये 1 हमारा स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब जानते हो किस संख्या के ऊपर 2 लगा, 2 जब लगा होता है इसको हम स्क्वायर कहते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा है उस संख्या को गुणे में 2 बार लिखना, 1 के ऊपर 2 लगा है तो 1 को 2 बार लिखना, तो 1 * 1 तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो जहाँ 1 स्क्वायर दिया है इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे। साइन स्क्वायर ही रहेगा, ये अचर है सॉरी चर है। अब बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 1, ये हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। एक फार्मूला होता है सर्वसम्मति का, मेरे पास दी थी, क्या होता है अगर जहां 1 - sin²θ लिखा हो, 1 - sin²θ जहां भी लिखा है उसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं भैया, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। जहाँ पर 1 - sin²θ है उसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ 1 - cos²θ दिया हो उसके जगह पर बच्चों sin²θ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास प्रश्न दिया है उसके जगह पर जहाँ 1 - sin² दिया है इसके जगह पर हमें क्या कर देना है, कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे जहाँ दिया है 1 - cos², यहाँ पर हम sin²θ रख देंगे। आप जानते हो, देखिए एक फार्मूला और होता है, फार्मूला बच्चा कौन सा होता है, देखिए कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा जहाँ भी लिखा हो, ये चीज़ याद रखना है, फार्मूला है, फार्मूले त्रिकोणमिति में अधिकतर फार्मूले ही होते हैं। कॉस थीटा बटे साइन थीटा अगर दिया है उसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, कोट थीटा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कोट थीटा। लेकिन यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे हम एक बार क्या कर देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा स्क्वायर, बटे में नीचे भी था ऊपर था तो हम एक साथ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो मैंने कॉट रख दिया, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का मान कितना था, कॉट थीटा का 7/8 था, तो यहाँ क्या कर देंगे, 7/8 कर देंगे,
स्क्वायर लगा देंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर देंगे। इसमें तो सेम जो मान दिया है इसके जगह पर जहां कोट थीटा है उसके जगह पर 7/8 हम आसानी से रख सकते हैं। कोट थीटा हमारा स्क्वायर था तो इसके जगह पर हम 7/8 कर देंगे, स्क्वायर लगा था हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 7/8 का मतलब स्क्वायर है तो 7/8 हो जाएगा गुणे 7/8 हो जाएगा, 7 × 49 = 8 × 8 = 64, ठीक है। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।